सुना शिफकत भाई ने नया डिसीजन लिया है जिसपे सारे बच्चे पागल हो रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के हैं, पुलिस वालों से चिपाड़े तबे विच इज़ वेरी बैड भाई, चिपाड़े नहीं खानी चाहिए ठीक है। लेकिन शिफकत भाई का डिसीजन ठीक है, डिसीजन इसलिए ठीक है क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे, और बड़े नहीं होंगे तो बच्चे कैसे सेट करेंगे हैं। सो द प्रिविलेज इज ऑलवेज वेयर हेयर देयर इज अ गर्ल एंड द गर्ल कैन नॉट बी हेयर वेयर देयर एट योर होम, शी इज ऑलवेज बची इज देयर एट योर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सो अगर आपको बच्ची चाहिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, यूनिवर्सिटी आपने लेकिन पढ़ने नहीं जाना, आपने सिर्फ बच्चियाँ तारने जाना है। मैं आपको शर्त लगा के कह सकती हूँ यूनिवर्सिटी के पहले दिन आपका जो सारा फोकस है ना वो एडमिशन फॉर्म की सवालों पर उसकी रिक्वायरमेंट्स में नहीं होगा, आपकी आपका सारा फोकस होगा बच्चियों की तादाद कितनी, क्वांटिटी कितनी है, बच्चियों की टाइप क्या है भाई, मेजॉरिटी कैसी है, पेंडू है प्यारी है कोची है कैसी है, आपका सारा फोकस उधर होना है। एंड यू नो व्हाट द गुड थिंग इज, द गुड थिंग इज कैंड पे आपको डिग्री भी मिल जाएगी विद पापा नहीं माना। आपको मोटिवेशन चाहिए बस पढ़ाई के लिए तो आप बस एक टारगेट सेट कर लें ठीक है, आपने बच्ची का टारगेट सेट कर लें, बच्ची जरा लंबे बालों वाली हो, बच्ची जरा मोटी मोटी आंखों वाली हो, बच्ची की आवाज़ जरा आपकी चाय के पति से भी तेज हो, और क्या है, बच्ची में कॉन्फिडेंस हो, ह्यूमर हो, इंटेलेक्चुअल हो, ओ हो आप समझ रहे हैं ना बात में, अपनी बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं, आपने बच्ची अपने टारगेट सेट करे दिमाग में और बस फिर पढ़ाई फिर घोड़े बन जाए, ऐनी जी गल थी बस ऐनी जी गल थी, ऐवें रोला पाया तुम पहाड़ चुके हैं, सारा मसला आपकी बच्ची नहीं हाल कर दी है, प्रोटेस्ट में निकले थे पागल चले।